हेलो दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए सीरियल की चटपटी जानकारी लेकर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहाँ रजत ठक्कर अवार्ड जीत जाता है और जीतने की खुशी मना रहा होता है, तो वहीं इधर सवी अपनी माँ को ढूंढती रहती है, जहाँ सई ममता से पूछती है कि सवी कहाँ है, जहाँ वह बताती है कि वह वॉशरूम गई है, जहाँ सई ममता को सुनाती है कि तुमने उसे ऐसे कैसे अकेले भेज दिया, और सवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ सई को सवी एक रूम में मिलती है जहाँ वह अंदर फंसी होती है। सवी बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो वहीं सई सवी को अपनी साड़ी का पल्लू देती है और सई एक रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर सवी को रूम से बाहर निकालती है, जहाँ सवी सई को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सई को बताती है कि वहाँ पर अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी, और यह सब बात रजत ठक्कर सुन लेता है, जहाँ रजत ठक्कर बोलता है कि तुम इसे क्या उल्टा सीधा सिखा रही थी, तो वहीं सई बोलती है कि तुम्हें अपनी बच्ची से बात करने की तमीज तक नहीं है, और रजत ठक्कर की सई से जोरदार बहस हो जाती है। इधर अर्श हारने के कारण आशिका को सुना रहा होता है, जहां आशिक बोलती है कि आइंदा से मुझे ब्लेम करने की कोशिश मत करना, और वहां से चली जाती है। सीरियल कैसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।